ऑडियो टू जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु अब सोई काउ प्रसंग सब सुमिरि उमा ऋषिकेतु। रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार तैयार हुआ तथा जिस कारण संसार में इसका प्रचार किया गया वह सब वर्णन उमा महेश्वर का स्मरण करके करता हूं। रामचरित मानस की रचना विशेष उद्देश्य से की गई है, यह भाव स्पष्ट होता है। संभु प्रसाद सुमित ही अहुलसी रामचरित कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। भगवान शिव की कृपा से संत तुलसीदास के अंतःकरण में सद्बुद्धि जागृत हुई, फल स्वरूप रामचरित मानस की रचना हुई। इस ऐसे श्रेष्ठ कार्य सद्बुद्धि द्वारा ही संभव होते हैं। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। बुद्धि के अनुसार तो इसे सुंदर बनाया गया ही है, साथ ही सज्जन इसे सुनकर अपने सुंदर अंतःकरणों को निर्मल बना लें। मानसकार चाहता है कि लोग इससे प्रेरणा लेकर अपने अंतःकरण को श्रेष्ठ बनाए। जे गावैया चरति संभारे ते हे ही ताल चतुर रखवारे। जो इसे अपना चरित्र संभाल कर गाते हैं वे इस मानस सरोवर के चतुर रक्षक हैं। रामचरित्र का गान करने वालों को अपना चरित्र उज्जवल रखना चाहिए। काम क्रोध मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। यह रामचरित्र काम क्रोध मद मोह आदि विकारों को नष्ट करता है और निर्मल विवेक एवं वैराग्य भावना की वृद्धि करता है। यदि रामचरित्र के प्रभाव से पाठक या श्रोता के विकार न हटे और विवेक वैराग्य उदय ना हो तो समझो मात्र दिखावा ही किया जा रहा है। जिन एही बार न मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए। जिन्होंने इस राम कथा रूपी पवित्र जल से अपने अंतःकरण निर्मल नहीं किए वे कायर बुरे समय के फेर में पड़े हुए हैं। अपना अंतःकरण निर्मल बनाना हमारा काम है, ऐसा न कर सकना हमारी कायरता का प्रतीक है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होते हैं उस समय सब लोग प्रयाग आते थे। वहां सभी ऋषि इकट्ठे होकर विभिन्न समस्याओं पर विचार करते थे। इसी संदर्भ में अगले दोहे में बताया गया है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पर नहीं तत्व विभाग कई भगति भगवंत के संजित ज्ञान विराग। ब्रह्म विद्या कर्तव्य परायणता तथा भौतिक समस्याओं के समाधान और ज्ञान वैराग्य सहित भगवान की भक्ति के संबंध में चर्चा करते थे। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक एवं भौतिक सभी पक्षों पर ऋषिगण विचार करते थे। इस तरह पूरे महीने भर विचार विमर्श चलता था। फिर निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए सभी ऋषि अपने अपने क्षेत्रों को चले जाते थे। एक बार आयोजन की समाप्ति पर परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी को भरद्वाज ने रोक लिया तथा उनसे राम कथा सुनाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें शिव पार्वती संवाद सुनाते हुए पहले शिव विवाह प्रकरण सुनाया। भगवान शंकर की पूर्व पत्नी सती अपनी पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। उनके पिता ने उनका निरादर किया। सती ने यज्ञ देखा, वहां सभी देवताओं का आदर तथा शंकर भगवान का निरादर देखकर सती ने पिता के इस अनुचित कार्य के विरोध में उन्हें फटकारा तथा विरोध स्वरूप योगाग्नि में जलकर शरीर त्याग दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुन शिव ने अपने गणों द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराकर दक्ष को उचित दंड दिया। सती ने शिव का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा था, अतः वह हिमाचल के यहाँ उमा नाम से उत्पन्न हुई। एक बार नारद जी हिमाचल के यहाँ गए तथा वहाँ उमा का भविष्य बतलाते हुए कहा कि यह कन्या विशेष उद्देश्य से उत्पन्न हुई है, इसकी पूर्ति तभी होगी जब इसे शिव जी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तुम उमा को तप करने को कहो जिससे वह शिव को पति के रूप में पा सके। उन्होंने बताया कि
दुराराध्य पै आई महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। यद्यपि शंकर जी की पूजा अर्चा का कार्य कठिन है तो भी तपस्या करने वाले पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तब द्वारा कठिन कार्य भी सुगम हो जाते हैं। शिव अर्थात कल्याण की प्राप्ति तब बिना संभव नहीं जो तप करे कुम्हारी तुम्हारी, भावी मेटि सकहिं त्रिपुरारी। तुम्हारी पुत्री यदि कठिन तपस्या करे तो शंकर भगवान होनहार हो को भी बदल सकते हैं, तप के द्वारा भाग्य के अनुसार निर्धारित भावी घटनाक्रम भी बदला जा सकता है। उमा की माँ मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, नारद जी की बात मेरी समझ में नहीं आई। जो घर वरु कुल होई अनुपा, करे विवाह सुता अनुरूपा। यदि घर वर तथा कुल अपनी कन्या के अनुरूप हो तभी विवाह कीजिए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। पार्वती जी के मन में शिव जी के चरणों में प्रतिदिन नया स्नेह पैदा होने लगा, फल स्वरूप देह की सुधि भूल गई तथा तप में मन लग गया। किसी कार्य में मन न लगने का कारण अपने अंदर उसके प्रति अनुराग की कमी ही होता है। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा। उन्होंने पार्वती की इष्ट निष्ठा दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पार्वती अडिग रही। वे बोली, जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, वरऊ शंभु न तरऊ कुआरी। मेरा तो यही संकल्प है कि करोड़ जन्मों तक भी तप करना पड़े तो भी महादेव जी को वरूंगी, अन्यथा जीवन भर कुमारी ही रहूंगी। अनन्य निष्ठा वाले दूसरे विकल्प नहीं सोचते। सप्त ऋषियों ने लौटकर शंकर भगवान को पार्वती की निष्ठा के संबंध में बताया तो शिव प्रेम मग्न हो गए, फिर चित्त स्थिर कर समाधि में लीन हो गए। उस समय तारकासुर ने सभी लोकपालों को पराजित कर तीनों लोकों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देवता सुख संपत्ति रहित हो गए। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। मोर कहा सुनि करहु उपाई, हो ही ईश्वर कर ही सहाई। मेरी बात पर आप लोग ध्यान दें और सुनकर उपाय करें, भगवान आप लोगों की सहायता करेंगे और काम सिद्ध हो जाएगा। जो अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं प्रयास करता है ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। देवताओं का आह्वान पर कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने कहा कि आप शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न कर उनकी समाधि भंग कीजिए। काम ने सोचा, शिव से विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। फिर उसने देवताओं से कहा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। तो भी मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि वेद में परोपकार को परम धर्म कहा गया है। समाज की भलाई करने के लिए यदि स्वयं खतरा उठाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर हित लागि तजै जो देही, संतत संत प्रसंस हितेही। जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान कर देते हैं उनकी सज्जन सदैव सराहना करते हैं। सज्जमान और सराहना द्वारा बलिदानियों का उत्साह बढ़ाना सज्जनों का काम है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसार को अपने वश में कर लिया। सामर्थ्य होते हुए भी जब तक प्रयास न किया जाए उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य प्रत संजब नाना, धीरज धर्म ज्ञान वे क्याना। ब्रह्मचर्य व्रत संयम अनेक प्रकार के धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान आदि, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। सदाचार जप योग वैराग्य विवेक आदि सद्गुणों की सेना डर कर भाग गई। काम वासना जब सबल होती है तो सद्गुण लुप्त हो जाते हैं। भयउ ईस मन क्षोभ विसेखी, नयन उधारी सकल दिस देखी। भगवान शिव के मन में बहुत बेचैनी हुई। उसका कारण
जानने के लिए उन्होंने सब ओर दृष्टि दौड़ाई। अस्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर तुरंत उसका कारण खोजना चाहिए। तब सेवंती सर नयन उगारा, चितवत काम भयो जरिचारा। तब महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, उससे देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अपनी स्वाभाविक शांति को भंग करने वाले कारण को विवेक के प्रयोग से नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा नेत्र विवेक बुद्धि का परिचायक है। देवताओं की ओर से ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की तथा कहा कि हम उमा के साथ आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव ने स्वीकृति दे दी। उसी समय सप्तऋषि वहां आए। शिव ने उन्हें हिमाचल के पास भेजा। वे लोग पहले उमा के पास गए तथा कहा कि पहले तुमने नारद के उपदेश के कारण हमारा कहना नहीं माना था, अब शिव ने काम को जला दिया है, अतः तुम्हारा प्राण झूठा हो गया। पार्वती ने उत्तर दिया, तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी संभु रहे सविकारा। आप लोगों की समझ में शंकर जी ने कामदेव अभी ही भस्म किया है। अब तक तो वे शायद काम विकारों से ग्रस्त रहे हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजवन वद्य काम अभोगी। ऑडियो 3। हमारी समझ में तो शिव जी सदैव से ही योग युक्त, जन्म रहित, दोष रहित, कामना रहित और भोगों से रहित ही हैं। सच्ची निष्ठा दूसरों के बहकाने से भटकती नहीं, अपने इष्ट के सही स्वरूप का बोध और उस पर विश्वास सच्चे साधक के गुण हैं। तब सप्तऋषियों ने हिमवान से विवाह की तैयारियां करने को कहा। शिव के विवाह की तैयारियां हुई। गणों ने शिव का श्रृंगार किया। गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। गले में विष तथा हृदय में नर मुंड माल है। इस तरह शिव का वेश तो अमंगल है, किंतु वे कृपालु कल्याण के घर हैं। शिव मृत्यु के देवता हैं। सादा जीवन उच्च विचार शिव के स्वरूप की आध्यात्मिक व्याख्या है। शिव की बरात चली, बरात का विवरण। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू। किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत हाथ पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तनखीना। किसी के बहुत नेत्र हैं, कोई बिना नेत्र का है। कोई बहुत मोटा है तो कोई बहुत दुर्बल है। शिव की बरात पिछड़े हुए समाज का प्रतीक है। शिव आदर्श महापुरुष है, अतः सबको साथ में रखते हुए सबका मंगल करते हैं। शिव के श्रृंगार एवं उनकी बरात से वर्तमान समाज की संगति मिलाते हुए उचित प्रेरणा दी जा सकती है। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के मनोरंजन करते हुए बरात हिमाचल के यहाँ पहुंची। उमा की माँ का वर का परीक्षण करने के लिए आई। वर की साज सज्जा देखकर साथ की स्त्रियां भाग खड़ी हुई। मैना बिना परीक्षण किए लौट आई। अपनी कन्या को कुपात्र को विवाहे जाते देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इस विवाह को रोकने का निश्चय कर उमा को गोदी में बिठा लिया और दुखित होकर कहने लगी, कसकीन बरु बोरा हविदि जी तुमही सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सुर तरुही सो बर बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परो घर जाओ, अप जसु हो जग जीवत विभाओ न हो करो। जिस ब्रह्मा ने तुम्हें सुंदर बनाया, उसने वर को बावला क्यों बना दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरन बबूल में लगाया जा रहा है। मैं भले ही तुम्हारे साथ पहाड़ से गिर जाऊं, आग में जल जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं, घर भले ही उजड़ जाए, संसार में अपयश हो जाए, पर मैं अपने जीते जी यह विवाह ना होने दूंगी। मैना का यह कन्या प्रेम और बुराई के विरोध का साहस सराहनीय है।
हमारी माताओं को इसी प्रकार का साहस करना चाहिए, तभी कुपात्रों से कन्याओं के विवाह रुक सकते हैं। फिर हिमवान नारद और सप्त ऋषियों सहित घर के अंदर गए। नारद ने मैना को उमा के पूर्व जन्म का वृत्तांत तथा शिव की वास्तविकता बतलाई। मैना संतुष्ट हुई तथा विवाह में सप्रेम सहयोग किया। गही गिरीस कुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। हिमवान ने अपने हाथों में कुशा ली तथा कन्या पार्वती जी को हाथ पकड़कर शंकर जी की पत्नी समझकर शिव जी के हाथ में सौंप दिया। कुश पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। विवाह के साथ अनीति तथा अपव्यय के प्रसंग न जोड़ने की भावना कुश कन्या समर्पण के साथ जुड़ी हुई है। जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। माता मैना ने उमा को बुलाकर गोदी में बिठाकर सुंदर सीख दी। लड़की की विदा के समय माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि कन्या को कुशल दाम्पत्य निर्वाह के लिए सुंदर सीख दें। शिव उमा सहित कैलाश आकर सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत दिनों बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। एक दिन शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उपयुक्त समय समझकर पार्वती उनके पास गई। जानी प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसनु हर दीना। पार्वती जी को अपनी स्नेहमय पत्नी जानकर शिव जी ने उन्हें अपनी बाई ओर उचित आसन देकर आदर सहित बिठाया। पति द्वारा पत्नी का सम्मान किया जाना चाहिए। बराबरी का आसन देना अर्थात समान अधिकार प्रदान करना चाहिए। पति के हृदय में अपने प्रति अगाध प्रेम देखकर उमा ने मुस्कुराते हुए शिव जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, राम कौन है? राम के संबंध में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उन्हें निर्गुण कहता, कोई सगुण। आप मुझे राम तत्व के बारे में विस्तार से बताइए तथा उनकी कथा सुनाइए। उमा के प्रश्न को सुनकर शिव ने राम का ध्यान किया, फिर पार्वती की सराहना करते हुए कहा, तुमने लोक मंगल की भावना से प्रश्न किया है, तुम धन्य हो। शिव जी ने कहा, राम कथा सुर देनु रसम, सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवन करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। औषधि सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है, इसी प्रकार रामचरित सेवन से सब सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल सुनकर ही नहीं रह जाना चाहिए। जो लोग विषयों में आसक्त, पाखंडी, राम भक्ति विमुक्त तथा सत्संग रहित हैं, वही तरह तरह के कुतर्क करते हैं, क्योंकि मुकुर मलिन अरुनयन विहीना, राम रूप देख ही किमि दीना। विषय रूपी मैल से जिनका हृदय दर्पण मलिन है तथा जो ज्ञान नेत्र रहित हैं, वे दीन राम रूप कैसे दिखें? स्वच्छ हृदय में ज्ञान पूर्वक राम का अनुभव किया जा सकता है। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर का कर एक नहीं काना। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी ली है, उनके कथन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रबुद्ध तथा ज्ञानी पुरुषों की बात ही मानना चाहिए। मोह मदिरा व्यक्ति को उन्मुक्त बना देती है। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुद्ध बेदा। वेद पुराण पंडित और मुनि सभी कहते हैं कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। निराकार या साकार में से जिसे जो रुचे उस बुद्धि से भगवान को माने। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जो निर्गुण है वही कैसे सगुण है, जैसे जल और ओला अलग होते हुए भी एक ही है। परमात्मा का आदि और अंत किसी ने नहीं पाया, बुद्धि से अनुमान कर वेद उसके बारे में ऐसा गाते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वह बिना पैरों के चलता है और बिना कान के सुनता है तथा अनेक प्रकार के कर्म बिना हाथ के ही करता है।
जब जब होई धर्म के हानी, बाण ही असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का पतन होता है और नीच अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, धर्म के पतन होने पर अभिमानी और नीच प्रकृति के राक्षस कहने वाले लोग ही बढ़ते हैं। करही अनित जाय नहीं भरनी, सीदही विप्र देनु सुर धरनी। वे ऐसी अनीति का मार्ग अपनाते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इससे ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी सभी कष्ट पाते हैं। अन्याय, अनीति, अधर्म के बढ़ने से संसार में दुखों की वृद्धि होती है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। उस स्थिति में कृपा के निधान भगवान अनेक प्रकार के शरीर धारण कर सज्जनों के दुख मिटाते हैं। जब असुरता बढ़ जाती है और उसका नियंत्रण लौकिक स्तर पर नहीं हो पाता, तब भगवान की शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। असुर मारि था पै सुरन राखै निज श्रुति सेतु, जग विस्तारे विसद जस राम जन्म कर हेतु। अवतारी पुरुष राक्षसों को मारकर देवत्व की स्थापना करते हैं। अपने सनातन पवित्र यश आचरण का प्रकाश फैलाते हैं। यही भगवान के जन्म का उद्देश्य कहा गया है। पूर्वोक्त चौपाइयों में वर्णित कार्यों को करने वालों में ईश्वरीय भक्ति का उदय होने लगता है। यश फैलाने का उद्देश्य लोक जीवन में उस मार्ग पर चलने का उत्साह पैदा करना है। भगवान का अवतार निरुद्देश्य नहीं होता। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते वैनर श्रेष्ठ अनुपा। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। उन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। सदाचार संपन्न दंपति ही श्रेष्ठ संतति पैदा कर सकते हैं। उनका यश ही अक्षय होता है। तेहि मनुराज कीन बहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। उन्होंने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। सजा की शक्ति का उपयोग मर्यादा पूर्वक किया जाए। ऑडियो 4। भरवस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तब मनुज ने अपने पुत्र को आग्रह पूर्वक राज्य देकर स्वयं स्त्री समेत वन को गमन किया। वानप्रस्थ मर्यादा पालन करना, सांसारिक जीवन से निवृत्त होकर लोक मंगल में लग जाना उचित है। मनु और सतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उनसे वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान से कहा, आपके भक्तों को जो गति और विभूतियां मिलती हैं वह हमें प्रदान करें। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा करी देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन कृपा कर हमें दीजिए। भगवान से उनके प्रियजनों के अनुरूप भावना तथा आचरण की क्षमता मांगना ही श्रेष्ठतम उपहार मांगना है। मनु और सतरूपा को वर देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद शंकर जी ने रावण के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। कैकेय देश में सत्यकेतु नामक राजा था। उसके दो पुत्र हुए, बड़े का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम हरिमर्दन था। प्रताप भानु को राज्य सौंपकर उनके पिता वन चले गए। प्रताप भानु ने योग्यता पूर्वक राज्य संचालन किया। उसके मंत्री का नाम धर्मरुचिक था, जो उसे नीति की शिक्षा दिया करता था। राजा धर्माचरण तो करता था, किंतु उनकी ऐशनाएं शांत नहीं हुई थी। एक बार शिकार खेलते की समय वह भटक गया और एक कपटी मुनि का वेश देखकर उसे महामुनि समझ बैठा। तुलसी देखी सुवेशु, भूले मूल न चतुर नर, सुंदर के कई पेखु, वचन सुधा समासन आई। तुलसी कहते हैं, अच्छा वेश देखकर मूर्ख ही बोलते हैं। चतुर नहीं, सुंदर मोर को देखो, उसकी बोली तो अमृत के समान मीठी है।
किंतु भोजन सर्प है। सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सुंदर वेश और मीठी बोली पर आकर्षित न होकर वास्तविकता देखना चाहिए। कपटी मुनि के वेश और बोली से आकर्षित होकर थोड़ी देर में ही राजा ने उसे सिद्ध पुरुष समझ लिए तथा उसके कहने से वर मांगा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनि को, एक छत्र रिपुहीन मै राज कल्प सत हो। राजा ने कहा, मेरा शरीर बुढ़ापा, मृत्यु और दुख रहित हो जाए। युद्ध में मुझे कोई न जीत सके। मैं संपूर्ण पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य शत्रु रहित होकर सौ कल्प भोगूं। राजा का अज्ञान और ऐश्ना देखने योग्य है। वह सृष्टि की सिद्धांत ही बदल देना चाहता था। प्रताप भानु की हविश पूरी न हो सकी और कपटी मुनि के षड्यंत्र के कारण उसे सहायकों सहित राज्य और प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा। समयानुसार वही राजा प्रताप भानु रावण, अरिमर्दन, कुंभकर्ण तथा धर्मरुचि विभूषण के रूप में पैदा हुए। तीनों भाइयों ने तप करके ब्रह्मा से वर पाए। रावण के साथी तरह तरह की माया जानने वाले, विवेक शून्य, हिंसक, पापी और संसार को पीड़ा पहुंचाने वाले थे। रावण ने लंका में राजधानी बनाई, कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। उसका बल और वैभव बढ़ता ही जा रहा था। उसके साथ सहायकों का बड़ा समूह था। वे सभी राक्षसी प्रवृत्ति के थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हो जिनके धर्म नंदाया। सभी राक्षस अपनी शक्ति से मन चाहा रूप बना लेते थे। वे माया को जानने वाले थे। उनके हृदय में दया और धर्म का भाव स्वप्न में भी नहीं था। एक बार रावण सभा में बैठा था। उसने अपना विशाल कुटुंब देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाती। पुत्रों का समूह, नौकर, नाती आदि बहुत अधिक थे, जिन्हें गिनकर कौन पार कर सकता था। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। इस अपार सेना को देखकर अभिमानी रावण क्रोध और घमंड भरे वचन बोला। अधिक संतान के दोष कारण घमंड और रोष परिणाम विनाश है। रावण ने कहा, देवता हमारे बैरी हैं, अतः तुम लोग देवत्व का पोषण करने वाली सभी प्रवृत्तियां समाप्त कर दो। राक्षसों ने वही किया। पूरे विश्व में असुरता का साम्राज्य हो गया। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। उस समय दूसरे के धन को हरण करने वाले तथा दूसरे की स्त्री के साथ व्याभिचार करने वाले, दुष्ट, चोरी करने वाले तथा जुआरी बहुत बड़ी संख्या में हो गए थे। जब भले लोग दुष्टता से भयभीत हो जाते हैं तो समाज में अनैतिकता बढ़ने लगती है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। उस समय लोग माता पिता के साथ उचित व्यवहार नहीं करते थे और देवताओं को भी नहीं मानते थे। साधुओं की सेवा करने की अपेक्षा उल्टे उन साधुओं से सेवा लेते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हुनिसिचर सब प्राणी। श्री भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जिन लोगों के ऐसे आचरण होते हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। राक्षस रूप से नहीं, बुरे कर्मों के कारण होते हैं। अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सभीत धरा कुलानी। इस प्रकार के लोगों की धर्म के प्रति अत्यधिक अरुचि देखकर पृथ्वी बहुत ही भयभीत एवं व्याकुल हो गई। अधर्म का भार पृथ्वी भी नहीं सह पाती थी, क्योंकि धर्माचरण से ही संसार का संतुलन बना है। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। पृथ्वी कहने लगी कि जितना भारी मुझे दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है, इतना भार तो मुझको नदियों, समुद्रों और पर्वतों का भी नहीं मालूम पड़ता है। पर द्रोही इस पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं, उन्हें कहीं भी आश्रय नहीं मिलना चाहिए। बैठे सुर सब करें विचारा, कहां पाए प्रभु करें पुकारा।
उस समय सब देवताओं ने बैठकर विचार किया कि भगवान कहाँ मिले जिससे कि उनके सामने ये कष्ट कहें। अपनी ताकत के बाहर काम दिखे तो निराश न होकर समर्थ व्यक्ति से सहयोग लेना चाहिए। पुर बैकुंठ जान कह को कोई को कह पर निधि बस प्रभु सोई। कोई तो बैकुंठ धाम जाने के लिए कह रहा था और कोई कहता था कि नहीं, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। बैकुंठ और क्षीर सागर को किसी स्थान या देश विदेश में समझ लेना मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है। तेही समाज गिर जा मैं नहीं हूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। हे पार्वती जी, उस समय मैं भी बैठा था, मैंने अवसर पाकर एक बात कही। समझदार व्यक्ति उचित अवसर आने पर ही बोलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं तो इस प्रकार जानता हूं कि प्रभु सब स्थानों पर समान रूप से विद्यमान है, प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिस विदिश ही माही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भगवान नहीं है? देश काल दिशा विदिशा सब जगह है। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता तथा प्रेम के वश में होने का प्रमाण है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिनी आगी। वे जड़ चेतन सब में व्याप्त हैं, कहते हैं वे सबसे रहित हैं, उनका कहीं भी लगाव नहीं है, प्रेम से वह प्रकट होते हैं। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में दिखती नहीं है पर रगड़ से प्रकट हो जाती है, स्थान विशेष की चक्कर में न पड़कर प्रेम भावना को शुद्ध और प्रखर बनाए। शिव जी की बात सबको पसंद आई। सुनि बिरंज मन हर्ष तन, पुलक नयन बैनीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। शिव जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हुआ, शरीर प्रेम से पुलकित हो गया और वह हाथ जोड़कर सावधानी और धैर्य के साथ प्रभु की स्तुति करने लगे। अंतर का सच्चा प्रेम उमड़ता है तो साधक में यह सब चिन्ह प्रकट होते हैं। सबको भयभीत देकर आकाशवाणी हुई। जनि दर्प मुनि सुत विरे सुरेसा, तुम ही लाग धरी हो नर वेसा। हे देवताओं के स्वामी इंद्र मुनि सिद्ध, भय मत करो, मैं तुम सबके लिए मानव रूप धारण करूंगा। निज लोक कई बिरंचिगे, देवन इही सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से बहु जाई। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को यह सिखाया कि तुम सब बंदरों का रूप धारण कर पृथ्वी पर जाओ और प्रभु के चरणों की सेवा करो। बुराई को समाप्त करने के लिए व्यवस्थित मोर्चा बंदी करनी होती है।